नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जानिए क्यों आती है पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार। तो दोस्तों, अगर आप भी पति पत्नी हैं, आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, तो आप आज इस वीडियो द्वारा जान सकते हैं कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते में दरार क्यों आती है, उसका क्या कारण होता है। यदि आप दूसरे लोगों से परिपूर्णता की उम्मीद रखते हैं, तो आपका जीवन निराशा, शिकायत एवं बदमिजाजी की सीरीज की साबित होगा। अगर आप भी पति पत्नी हैं, आपके बीच में, आपके प्यार के बीच में या आपके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। अगर आप चाहते हैं अपने रिश्ते को पहले जैसा खुशहाल बनाना, आप चाहते हैं अपने रिश्ते में बहुत सारा प्यार बढ़ाना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। अगर आप भी पति पत्नी हैं, आपके बीच में दरार आ चुकी है, तो उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी को ताने मारते हैं, तो उस इंसान से आपकी थोड़ी बहुत ही बहसबाजी जरूर होगी। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। एक बात है कि निकट के रिश्तों में दूरियां आते देर नहीं लगती। कैसे संभालें और उसको कैसे बचा कर रखें रिश्ते को, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। पहली मुलाकात में आपको अपनी सास, ननद या जेठानी या बेर खुले विचारों वाले और दोस्ताना लगी होगी, पर जब आपने साथ रहना शुरू किया, तो छवि बदलते देर नहीं लगी। आपको लगता है कि रिश्ते में दूसरों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है और आप हमेशा देने वाले मुद्रा में रहते हैं। अगर आप अपने अंदर झोंक और खुद के कुछ सवाल करें, तो पाएंगे कि जिस रिश्ते को जितना आप टाइम देते हैं, बदले में उतना ही आपको उसमें नुकसान होता है। अगर आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में दरार आ गई हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं। आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, जैसे कि या कोई पति है या पत्नी है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, आप रात भर ऑनलाइन रहते हैं, आप एक दूसरे से अच्छी तरह से बात ही नहीं करते, तो इससे भी आपके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। या एक दूसरे को ताने मेने मारना, अगर आप पति पत्नी हैं, एक दूसरे को ताने मेने मारते रहते हैं, तो इससे भी रिश्ते में दरार आने में देर नहीं लगती। दूसरा या तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आप घर पर लेट आते हैं। अगर आप पति हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं, आप रात को घर पर लेट आते हैं, कोई नशा करके आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप ऑफिस या जॉब से आने के बाद वहाँ पे बैठ जाते हैं, आपको कोई गलत रास्ता घेर लिया है, आपने किसी गलत रास्ते को चुन लिया है और आप रात को घर पर लेट आते हैं, अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, तो इससे भी रिश्ते में दरार आती है। या एक पत्नी अपने पति को, जब पति सुबह ऑफिस जाता है घर से, तो बाय बोलने की वजह उसको तरह तरह की बातें सुनाती हैं कि मेरे को आप घुमाने नहीं ले जाते, या मायके नहीं लेने दे के जाते, या मेरे को शॉपिंग नहीं कराते, तो बार बार एक ही बात को आप अपने पति को अगर दोहराते हैं, तो इससे भी आपके बीच में दरार आनी शुरू हो जाती है। क्यों आपकी ज़्यादा बोलते हैं कुछ आप। तो दोस्तों, अगर आप भी पति पत्नी हैं, आपके बीच में भी दरार आ चुकी हैं, तो ये कारण जरूर हो सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।